हे वेलकम बैक आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर नगर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त आप स्पोकन बोल रहे हो स्पोकन कर रहे हो ज़रूरी अच्छी चीज़ है लेकिन स्पोकन के साथ साथ थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान देना होगा मेरे दोस्त जब तक ग्रामर पे ध्यान नहीं दोगे ना आपका अंग्रेजी बेहतर नहीं होगा अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ एरर्स ध्यान देंगे जैसे संबंध आपसे कोई बोला अंग्रेजी में और वो गलत बोला तो आप यू आर एबल टू फाइंड द error. जब आप एरर फाइंड नहीं कर पाओगे तो कैसे काम चलेगा इसलिए हमने ना कभी कभी बिच बिच में मैं आपको तड़का देता रहता हूँ। किसी भी टॉपिक में error कैसे निकालें तो मैं आपको आज आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन दिया हूँ जिसमें मेरे साथ कॉपी कलम निकालो ऐसे नहीं छोड़ूंगा आप कॉपी कलम निकाल लो मेरे साथ और लेकर लेकर बैठ जाओ सीखो और मेरे साथ चूंकि मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं इसके पीछे का रहस्य बताऊँगा इसके पीछे बता का ऐसा क्यों हुआ तो हर चीज बताऊंगा तो आप साथ-साथ कॉपी कलम भी निकाल लें और निकाल के मेरे साथ आंसर खेलें और तब आपको मजा आएगा मुझे ही मजा आएगा अब देखते हैं क्वेश्चन से द sooner you go from here better it is आंसर निकाल लिया तुमने द sooner you go from here better it is अब देखो आंसर के साथ-साथ इसके एक्सप्लेनेशन को सुनिए इसका रूल कहता है कि द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड फिर से द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट वर्व अदर वर्ड कॉन्सेप्ट कहता है बच्चे कि जब कोई कॉम्परेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगाओ देखो द प्लस कॉम्परेटिव है कि नहीं है जैसे बोलते गुड बेटर बेस्ट तो गुड बेटर बेस्ट तो गुड हो गया पॉजिटिव बेटर कॉम्परेटिव और बेस्ट सुपरलेटिव जैसे सुनर यहाँ पे कॉम्पटेटिव हो गया तो दस सूनर द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट यू हो गया सब्जेक्ट गो हो गया वर फ्रॉम हेयर अदर वर्ड तो दस सूनर यू गो फ्रॉम हेयर पहला क्लाउज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा देखो दस यू ये सब एग्जाम के पूछते हैं तो दूनर यू गो फ्रॉम हेयर कॉमा दे दिया अब देखो बेटर इट इज बेटर अब बेटर हो गया कॉम्परेटिव है कि नहीं तो बेटर जब कॉम्परेटिव है तो बोलो बच्चे यहां पे द आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था रट्टा नहीं मारना अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जब कॉन्सेप्ट सिख जाओगे ना तो आपके लिए अंग्रेजी लॉलीपॉप हो जाएगा तो हमने कहा द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब द प्लस कॉम्परेटिव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर तो यहाँ देखो द सुनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज तो द बेटर इट इज अब जाकर के पहला क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया यानी गलती कहाँ था भाई अगर मैं इसको ए करूं इसको बी करूँ इसको सी इसको डी और इसको ई e. तो गलती किस पार्ट में था बच्चे डी पार्ट में था तो आपको समझ में आया कि बैटरी पर क्या होना चाहिए था द होना चाहिए था इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो कहीं पेर आएगा तो इसको एग्जाम्पल और सर नहीं बोलते द हायर यू गो द कूलर यू फील द मोर यू रीड द मोर यू इंटेलिजेंट जितना पढ़ोगे उतना विद्वान बनोगे जितना उसके पास है उतना और चाहता है इसका पता है सेंस क्या होता है आप इसे अंग्रेजी बोलो ना आप इसके माध्यम से अंग्रेजी बोलो आपको बोलना है जितना उसके पास उतना और चाहता है द मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स द मोर ही हैज द मोर ही वॉन्ट्स यार जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडक महसूस करोगे द हायर यू गो द कूलर यू फील द हायर यू गो द कूलर यू फील द सुनर यू गो फ्रॉम हेयर द बेटर इट इज द सुनर यू गो द बेटर इट इज तो द प्लस कॉम्परेटिव डा प्लस कॉम्पिटेटिव तो इसको याद रखना है एग्जाम में बहुत पूछता है इसको बार बार पढ़ना है यादने का प्रयास करना है अगला देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है अगला कॉन्सेप्ट बच्चे कि आई सॉ अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिख रहा है आई सॉ एंग बॉय वॉकिंग अलॉन्ग दैंक ऑफ द रिवर नो एर अब देखना ये है कि यहाँ हमने इसको ए बना दिया इसको बी इसको सी और इसको डी अब देखना किस पार्ट में गलत है आई saw a young boy walking along the bank of the river अब कॉपी के लेकर बैठे हो आंसर डिसाइड किया तो मेरे साथ ध्यान दो अब उन्हें कहा आई saw boy अब आप हमने हेडिंग डाल दिया आर्टिकल अगर मिसलेनियस होता तो भले दिमाग लगाते लेकिन हमने यहां पे हेडिंग का डाल दिया आर्टिकल अब आर्टिकल आता कहां है तो आर्टिकल का हमने चार वीडियो एक-एक घंटे का YouTube पे डाला है पूरा क्लास उसको आप देखिए जो आप देखेंगे ना तो आपको मजा आएगा उसे सीखोगे मैं आर्टिकल रटवाता नहीं कि ये यह यहाँ लगाओ ए वहाँ लगाओ नहीं आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है तो यहाँ पे उन्होंने बात किया बॉय बोलो बॉय नाउन है कि नहीं है ना तो बॉय अगर नाउन है तो बोलो उसके पहले आर्टिकल होगा कि नहीं तो आई लेकिन आर्टिकल चाहिए ही चाहिए क्या पढ़ाया था कि अगर नाउन है तो आर्टिकल चाहिए ही चाहिए कौन सा नाउन सर कॉमन नाउन कॉमन नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता अगर कॉमन नाउन है तो उसे आर्टिकल चाहिए ही चाहिए तो आई सॉ यंग बॉय यहाँ पे ए लगाएंगे आई सॉ यंग बॉय वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ रिवर अब ये सही हो गया एक किसके लिए आया भाई बॉय के लिए आया यंग क्या है एडजेक्टिव है ए क्या है बॉय के लिए आया है इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट सही होगा यानी कि कॉमन नाउन अगर आपका नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है एस मतलब सिंगुलर सी काउंटेबल एन मतलब नाउन अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर काउंटेबल है तो बिना नाउन का नहीं हो सकता इसके पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा चाहे ए लगाओ चाहे एन लगाओ चाहे, चाहे द लगाओ ए एन डी लगाना पड़ेगा क्योंकि नाउन तुम्हारा क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहां समझ में आगे बच्चे अगला कॉन्सेप्ट देखो अगला कॉन्सेप्ट कहता है बालक यहां पे क्वेश्चंस जो है मैं आपको सिखाना चाहता हूं अंग्रेजी सीखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश 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 द द इज लैंग्वेज ऑफ एक बार क्वेश्चन इंग्लिशनों ने इसको पूछा है तो अब प्रश्न उठता है कि द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश इसमें क्या गलती है आप मेरे साथ पढ़िए द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश तो आप सोच पा रहे हो अब देखो बोर्ड पे कि द इंग्लिश अब मैं कौन पढ़ाता हूं कि नो no आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगाते नो no आर्टिकल कहां भाई तो नेम ऑफ लैंग्वेज नेम ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज के नाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता ये आप किताब में पढ़ते होंगे कि भाई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते कहा लैंग्वेज के नाम से पहले राइट क्यों क्योंकि नेम ऑफ लैंग्वेज से उसकी जाति को बोध करा देता है तो जाति क्या भाई जैसे हमने बोला इंग्लिश अब इंग्लिश में दा लगा दिया तो द इंग्लिश तो बोला हमने ये हो गया अंग्रेज जब अंग्रेज हो गया इसीलिए तो दा नहीं लगाती तो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश यानी अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश ऑफ अंग्रेज तो ऐसा कौन सा द हटाऊं कि सेंटेंस सही हो जाए पढ़ के चेक कर लेते हैं अगर इसको द हटा दिया तो हो गया अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेजी अंग्रेज भाषा है इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गया अंग्रेज इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश गलत हो जाएगा यानी यहां पर द रहेगा अगर ये बोला द हटा दिया तो हो जाएगा अंग्रेजी अंग्रेजी इज द लैंग्वेज ऑफ अंग्रेज यानी इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश अंग्रेजी भाषा है अंग्रेजों की अंग्रेजी इज द लैंग्वेज अंग्रेजी एक भाषा है ऑफ द इंग्लिश अंग्रेजों का अब बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया तो इस तरह से पहले बला हट जाएगा यानी आंसर या तुम्हारा कहाँ हो जाएगा ए पार्ट में यहाँ तक क्लियर अब देखते हैं और क्वेश्चन जिससे आर्टिकल और क्लियर हो जाए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन में दिया आपको अब इस क्वेश्चन के माध्यम से अब यहाँ फिल हिंदी ब्लैंक्स है आप इस क्वेश्चन को देखो आ, स्क्रीन शॉट ले लो पूरा बढ़िया से यहाँ तक देख लिया सब ने अब बढ़िया स्क्रीन शॉट ले लो और एक एक क्वेश्चन को आराम से आप आराम आराम से स्कॉल करके देखो कि आखिर किस में क्या लगाया जाए आखिर आर्टिकल है यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन देख रहा हूँ तो इसको ध्यान देना जब पढ़ोगे ना तो मन नहीं लगेगा इस वीडियो को देखोगे ना तो मिलेगा मन कहीं और चले जाए छोड़ के पढ़ाई ऐसी चीज ही है तो आप भी तूफान भी देख लो मेरा इस पढ़ाई पर ध्यान देना है और इस तरह से करोगे तो जब भी पढ़ने मन न लगे बी तो तूफान देखो मन लगना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से काम करो तो हमने कहा आर्टिकल की बात तब आप काम करोगे तब बेहतर काम चलेगा आपको पढ़ना है तो क्योंकि तो मन भटकेगा मन नहीं लगेगा आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं कोई बात नहीं अब करना शुरू करो अब देखो एक क्वेश्चन है तो पहले जानो आर्टिकल है अब आर्टिकल है तो कैसे पढ़ेंगे इसको तो आर्टिकल में दो पढ़ोगे आप एक डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट ट निश्चित अनिश्चित अब अनिश्चित क्या है तो जाहिर सी बात है बाहर में कोई लड़का खड़ा है अनिश्चित है लेकिन लड़का रोज आता है तो बोलेंगे वही लड़का आया है तो वही के लिए क्या निश्चित हो गया तो जब कोई वर्ड वेन अनाउन

मैन फीड एलिफेंट अब देखो हमने कहा बॉय अभी पहले कुछ दिया हुआ नहीं खाली स्थान है अब जो खाली स्थान है तो हम बॉय के बारे में नहीं जानते हैं तो हम जाहिर इस बात है ए लगाएंगे अब बॉय मेट मैन मैन ही पहली बार आया है हम ए लगा देंगे अब बॉय मेट अ मैन विथ एलिफेंट है एन लगा देंगे फर्स्ट टाइम आया है लेकिन यहाँ जोड़ दिया एंड अब देखो बॉय पहले आ चुका था दोबारा बॉय आया है तो बोलो दोबारा बॉय में क्या लगा दूँ बोलो ए लगाऊँ एन लगाऊँ या द लगाऊँ आप कहोगे सर कि द लगा दीजिए द बॉय स्वा मैन रिपीट है यहां पे देखो रिपीट है क्या हो जाएगा द मैन फीड विथ द एलिफेंट अब बताओ सही हुआ कि नहीं हुआ सेंटेंस का नेचर है लॉलीपॉप आपको खेलना सिखा रहा हूं बच्चे पढ़ा नहीं रहा आपको कहा कि वेन अनाउन एपियर फॉर द फर्स्ट टाइम सेंटेंस आर्टिकल एन इज यूज्ड एंड द सेम नाउन सेम नाउन इज गोइंग टू बी रिपीटेड आर्टिकल दूस क्वेश्चन से मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसके माध्यम से आप क्वेश्चन सोल्व बेहतर तरीके से कर पाओगे आपको सोचने का तरीका दे रहा हूँ आपको आर्ट ऑफ आप थिंकिंग दे रहा हूँ आपको इंटरेस्ट पैदा करवा रहा हूँ कैसे सोचोगे आप है ना तो यहाँ पे दा आ गया कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर लग देखो सडनली बुलेट अब बोलो बुलेट बंदूक की गोली है कोई परिचित है क्या कोई दोस्ती है क्या नहीं ना तो ये लगा देंगे सडनली डेली आप बुलेट अस्ट्रक, अस्ट्रक किया अस्ट्रक स्ट्रीट लैंप स्ट्रीट लैंप तो गली मोहल्ले का लैंप है तो निश्चित है यहां पे द लगा देंगे बिल्स लेफ्ट ही लुकड अप एंड सो सौ मैन मैन देखा कोई आदमी देखा होगा तो अ मैन विथ गन उसके पास था कितना गन था विथ आ गन स्टैंडिंग एट द ओपन विंडो क्योंकि ओपन विंडो निश्चित है भाई गली मोहल्ला है खिड़की खुली है तो निश्चित है तो वहां द लग जाएगा जहां अनिश्चित है वहां ए लगा दो अब बोलो कि निश्चित डेफिनेट और इनडेफिनिट मैं अंतर समझ में आया कि नहीं आया अगला और क्वेश्चन देखो बेहतर करने के लिए आगे चलते हैं अब देखो हमने कुछ क्वेश्चंस और लिए अब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं सिर्फ कुछ नहीं करना चाहता मैं करना चाहता हूं कि आपको किसी भी फील्ड में मैं चाहता हूं आपका मास्टर हो जाए आज हमने क्वेश्चन दिया तो लगातार फिल ब्लैंक्स कॉमन एरर लगातार दिए जा रहा हूं इससे होगा क्या कि आप बेहतर फील करोगे अब देखो हमने दिया आर्टिकल आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिव टू वेलकम द न्यू एम्बेसडर नो एयर अब यहाँ पे फिर दिया आपने कॉमन एयर अब कहना क्या चाहता हूँ तो आई वॉज इन्वाइटेड टू ए डिनर गिव टू वेलकम है ना द न्यू एम्बेसडर अब इसको कैसे सोल्व करें सर तो रूल हमने पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डिनर से ब्रेकफास्ट से लंच ध्यान रखना नो आर्टिकल आर्टिकल नहीं लगाते नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर लंच डिनर ब्रेकफास्ट नो आर्टिकल शुड भी यूज बिफोर लंच डिनर ब्रेकफास्ट इन सबके पहले आर्टिकल नहीं आता कभी नहीं आता कहा लंच के पहले डिनर के पहले ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल नहीं आता लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यदि खास अर्थों में किया जाए तो उसके साथ आर्टिकल दिया आ जाता है कब आता है खास बनाया जाता है। कैसे सर आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर अब डिनर के पहले आर्टिकल नहीं आता अब पहली बात की है चलो ठीक है न्यू एम्बेसडर एम्बेसडर के वेलकम में दिया जाता अब प्रधानमंत्री चाय पर बुलाते हैं तो क्या चाय बाहर में नहीं मिलता प्रधानमंत्री चाय पे बुलाते हैं कहीं अरे वहां तो साइन बाइन कराना है वहां तो साइन का चक्कर है चाय बुलाते हैं अब एम्बेसडर के वेलकम है जी यहाँ खाने का इंपॉर्टेंट है कि न्यू एम्बेसडर का वेलकम है तो बोलो यहाँ पे डिनर खास हुआ कि नहीं हुआ बताओ यहाँ पे डिनर वर्ड खास हुआ मुस्कुरा अरे तुमसे यहाँ देख लो डिनर खास हुआ कि नहीं हुआ तो खास हुआ तो ए लगना चाहिए अरे ए लगेगा कि दल तो दल लगेगा बेटा तो यहाँ हो जाएगा डिनर आई वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर बिकॉजास्टर का वेलकम कर रहा है यहाँ पे आर्टिकल खास आ रहा है दिमाग खुल रहा है कैसे बनाते कॉलेज द अदर डे teacher was absent हमने कहा बेटा कि वेन प्रिया वेन टू कॉलेज अब प्रिया कॉलेज जा रही है तो हमने कहा था अच्छा आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल का वीडियो देखो चार वीडियो बना दिया हूँ कि नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर कॉलेज हॉस्पिटल चर्च बेड प्रिजन मॉस्क्यू इन सारे शब्दों के पहले आर्टिकल नहीं लगाते कब सर जब सामान्य सी बात होता जब यही शब्द खास बन जाएगा तो लग जाएगा लेकिन प्रिया यहाँ कॉलेज जा रही है पढ़ने के लिए तो प्रिया कॉलेज जा रही है तो आर्टिकल लेकर नहीं जाएगी ना तो यहां पे द नहीं लगेगा तो सही हो जाएगा वेन प्रिया वेन टू कॉलेज नॉट द कॉलेज कॉन्सेप्ट हो रहा है क्लियर तो वेन प्रिया वेन टू कॉलेज द अदर डे अब सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया यानी आंसर तुम्हारा कहाँ था बी पार्ट में था इसको ये मानो इसको बी बनाया तो गलती कहाँ था कॉलेज में आर्टिकल द यहाँ पे नहीं आएगा इस द को काटना पड़ेगा अब समझ में आया कहाँ गलती होता है इस तरह से पढ़ोगी बच्चे तो आपको समझ में आएगा फिर से बोल दे रहा हूँ कॉलेज हॉस्पिटल चर्च

ट्रेडिंग लो तीन चार महीना कोई समय नहीं होता एक बार ट्रेनिंग लिया तो लाइफ टाइम से छुटकारा कभी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा अब दिल्ली दूर नहीं है जाओ और तूफान मचा दो चाहते हो 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 घर में मान लो हाउस वाइफ नौकरी करते जॉब करते हो छुट्टी नहीं है आप दिल्ली नहीं आ सकते कोई बात नहीं घर बैठ करके मेरा लाइव क्लास अपने ऐप डाउनलोड करके डीएसएल के वेबसाइट पे जाकर के फोन से बात कर करके आप यहां पे फेसबुक कर करके यूट्यूब कर कर करके कर कर आप व्हाट्सएप कर करके जैसे भी हो ढूंढने से क्या नहीं मिल जाता है आप ये कर लोगे तो आप क्लास घर बैठ के भी ले सकते हो जैसे चाहो आना चाहो घर बैठ कर पढ़ना चाहो आपकी मर्जी मैं हमेशा धर्मेंद्र सर आपके लिए काम कर रहा हूं करता रहूंगा करता रहूंगा थैंक यू वेरी मच